नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। बलिया के सुरहताल की जो रंगत आज 20 वर्ष पहले थी, शनिवार को ऐसा लगा कि वो रंगत एक बार फिर लौट आई है। 3 दिवसीय सुरहताल पक्षी महोत्सव का शुभारंभ शनिवार को हुआ। मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सफेद कबूतर व तिरंगा गुब्बारा उड़ाकर इस महोत्सव का शुभारंभ किया। पहले दिन स्थानीय ही सही पर पर्यटकों की भीड़ इस तरह इशारा कर रही थी कि सुरहताल अपनी ख्याति के मुताबिक एक बेहतर पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित होने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि सुरहताल के विकास के लिए पक्षी महोत्सव का आयोजन एक अच्छी शुरुआत है। इस आयोजन के रूप में आज नींव पड़ी है, अब इस पर बड़ी इमारत बनानी है। जिलाधिकारी की विशेष सराहना करते हुए कहा कि आपने जो पहल शुरू की है उसको आगे बढ़ाइए, मेरा पूरा सहयोग रहेगा। कहीं भी किसी परियोजना की स्वीकृति के लिए मैं स्वयं तत्पर रहूँगा। मुझे भरोसा है कि प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से भी लोग आएंगे। जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने जनपदवासियों से सहयोग की सराहना की है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।